नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सिंह, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज। रोहतास पुलिस की त्वरित कार्रवाई, गला रेत कर हत्या करने के प्रयास के दो अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तारा चंडी गिजवाही जाने वाले रोड में अपराध कर्मियों द्वारा हत्या का प्रयास करने वाले दो अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कुछ अपराध कर्मियों द्वारा मिलकर अभिषेक कुमार बाबूगंज डेयरी के रहने वाले को गला रेत कर प्रयास किया गया था, जिसमें उक्त व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस संबंध में सासाराम मुफस्सिल थाना में केस दर्ज किया गया था। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने गंभीरता से लेते हुए इस घटना में शामिल अपराधियों को अविलंब गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का एक विशेष टीम का गठन, अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए निर्देशित किया गया था। पुलिस अधीक्षक रोहतास के आदेशानुसार सासाराम अनुमंडल पुलिस को घटना स्थल पर तारा चंडी गिजवाई घटना स्थल पर भेजा गया, जहां से छापामारी के दौरान कांड में शामिल अपराधी यासीन कुरैशी, आबिद खान बारह पत्थल के रहने वाले दोनों अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल घायल व्यक्ति अभिषेक कुमार को रोहतास पुलिस के सहयोग से सासाराम सदर अस्पताल में भर्ती कर इलाज कराया जा रहा है। गिरफ्तार दोनों अपराधियों ने इस कांड में शामिल रहने की बात स्वीकारा है तथा इस कांड में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने लगातार छापेमारी कर रही है। रोहतास पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न स्थान क्षेत्रों में अवैध खनन में 6 ट्रैक्टर को रोहतास पुलिस ने किया जब्त। रोहतास पुलिस अधीक्षक आशीष भारती के निर्देशानुसार रोहतास जिले में अवैध खनन करने वाले परिवहन पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए विशेष समकालीन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डेयरी, सासाराम, विक्रमगंज अलग अलग टीम गठन किया गया है। इसी क्रम में 10/10/2021 को अमजोर थाना के द्वारा अवैध खनन के छापामारी के दौरान अवैध बालू लदे 5 ट्रैक्टर को पुलिस ने जब्त कर लिया है। वही रोहतास थाना के द्वारा 1 ट्रैक्टर जब्त किया गया है। इस संबंध में नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। रोहतास पुलिस कप्तान आशीष भारती के निर्देशानुसार रोहतास पुलिस द्वारा अपराधियों, शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में 9/10/2021 को कुल 10 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वही 16 वारंट को निष्पादित भी किया गया है। यातायात नियमों का पालन करने हेतु एवं कोरोना के फैलने से रोकने के लिए नियमों के नहीं पालन करने वाले 233 वाहनों की जाँच पुलिस द्वारा किया, जिसमें वाहन नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों से 30,500 रुपये मास्क चेकिंग के द्वारा कुल 9 व्यक्तियों से 450 रुपये समन की राशि वसूली गई। पंचायत चुनाव 2021 के लिए पूर्व प्रमुख श्री पवन पासवान ने नासरीगंज प्रखंड के इटमा पंचायत से सदस्य क्षेत्र संख्या 5 के लिए अपना नामांकन नासरीगंज प्रखंड कार्यालय में दाखिल किया है। श्री पासवान ने अपना नामिनेशन जैसे ही प्रखंड कार्यालय में नामांकन कर बाहर निकलते ही हजारों समर्थकों ने फूलों की माला पहनाकर जोरदार समर्थन किया है। आइए आपको कुछ लाइव तस्वीरों को दिखाते हैं।
नहर में गिरकर युवक की मौत। इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के पटनवा कला निवासी मनीष सिंह के इकलौता लड़का जो कल नहर में गिर गया, उसका शव आज सुबह भैंसा गांव के पास नहर में मिला। शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है। वही परिजनों ने शव को अंतिम संस्कार कर पंचतत्व में विलीन कर दिया। मनीष सिंह के इकलौता पुत्र की मृत्यु होने से गांव में गम का माहौल है। राष्ट्रीय हित का गला घोटकर छेद न करना थाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। देश के धन को देश में रखना नहीं बहाना नाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। बने जो अपनी मिट्टी से वो दिए बिके बाजारों में, छुपी है वैज्ञानिकता अपनी सभी तीज त्योहारों।